जय जिनेंद्र। रिलीजियस रागा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नियमित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक बताए श्लोकों का आपने अच्छी तरह से रिहर्सल किया होगा, उच्चारण की प्रैक्टिस भी की होगी। यदि उसमें कोई आपने डिफिकल्टी फील की हो तो आप निसंकोच ईमेल भेजकर पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। श्लोक 19 का उच्चारण देखते हैं। किम शर्वरीषु शशिनान्नि शशिनान्नि विवस्वता वा। किम शर्वरीषु, यहाँ देखेंगे शशिनान्नि में ना के बाद एस जैसा है तो आ की साउंड आएगी और ह के साथ न है लगा हुआ, तो इसको इस तरह उच्चारण करेंगे। शशिनान्नि विवस्वता वा। यहाँ ध्यान दें कि जो ह के साथ न है वह ह के बाद है, इसलिए उसका उच्चारण ह के बाद आएगा। नाहन्नी, ह पहले आया है और न बाद में आया, इसका उच्चारण का विशेष ध्यान रखें। युष्मन मुखेन्दु दलितेशु तमस्सु नाथ। युष्मन मुखेन्दु दलितेशु तमस्सु नाथ। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यम कियज्जलधरैर जलभार नम्रहि। कार्यम कियज्जलधरैर जलभार नम्रहि। एक बार फिर से उच्चारण की प्रैक्टिस करते हैं। किम शर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वतावा। युष्मन्न मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। कार्यं कियज्जलधरैर जलभार नम्रहि। अब इसका म्यूजिकल कंपोजिशन सुनते हैं। इसको एक बार सुनने के बाद प्रैक्टिस के रूप में जब आप इसके साथ गाएंगे तो आपके भी उच्चारण स्वतः ही शुद्ध होते जाएंगे। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके। कार्यं कियज्जलधरैर् जलभार नम्रैः। अब शब्दों के अर्थ समझते हैं। किम क्या शर्वरीषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से अहन्नि दिन में विवस्वता सूर्य से वा अथवा युष्मन आपका मुखेंदु मुख चंद्र के द्वारा दलितेषु नष्ट किए जाने पर तमस्सु अंधकार नाथ हे नाथ। निष्पन्न परिपक्व शालिवन धान्य क्षेत्र शालिनी शोभायमान जीवलोके भूलोक में। कार्यम कार्य कियत कितना सा जलधरैहि बादलों के द्वारा जलभार पानी के भार से नम्रहि नीचे झुके हुए। अब श्लोक के भावों को समझते हैं। हे तेज पुंज, जब आपका मुख चंद्र अंधकार का नाश कर समग्र विश्व को निरंतर प्रकाशमान कर रहा है तो फिर रात्रि में चंद्रमा की तथा दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता है? जब खेतों में धान पक चुका हो तो फिर जल से भरे नीचे झुके मेघों का क्या काम? अर्थात कोई काम नहीं। ठीक वैसे ही आपके मुखचंद्र के मिल जाने पर अन्य कोई ज्योतिर्मय पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं रही।
भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों का भाव और उनसे होने वाले लाभों के विषय में हम अपने ब्लॉग के ऊपर भी नियमित रूप से पोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि उसमें कोई आपने डिफ़िकल्टी फील की हो तो आप निसंकोच ईमेल भेजकर पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, रिलीजियस रागा, इसमें रागा raaga@gmail.com। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें, जिससे लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। जय जिनेन्द्र।